एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट किए थे, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन आप लोग कैसे वैल्यूएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है आपके पास। सेम वही मेथड है, वही रूल्स हैं, वही टेक्निक आपने यूज़ करनी है, उसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन करेंगे। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने करनी है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और साथ में डीएक्स। अब देखें किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले तो आपने उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा ये होगा कि ईजिली उस पर रूल्स जो हैं आपके अप्लाई हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप सबसे पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें। अब यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करोगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन करोगे। अब जब आपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब फॉर्मूला जब आपने ओपन किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 बचेगा। अब सब पे इंटेग्रल आप अलग अलग कर दें, एक्स पे अलग हो के इंटेग्रल एक्स डी एक्स, दूसरे वाले 1 ओवर एक्स पे इंटेग्रल अप्लाई हो के डी एक्स माइनस 2, आपके पास इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट इंटेग्रल के बाहर निकाल देते हैं, इंटेग्रल 1 इंटू डी एक्स। अब देखें x की पावर 1 है और x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स होना है, तो आपके पास यहाँ पे पावर वो लग जाएगा, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड। सिमिलरली अब यहाँ पे भी माइनस 2 एज इट इज़ और 1 का डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल जो है वो x आता है प्लस का कॉन्स्टेंट c। अब ये चीज़ें तो पुरानी आपके पास ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई थी। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपके पास, ये आपको इंटेग्रल का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, जैसे नीचे फंक्शन x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है और साथ में dx आ रहा है, तो फंक्शन नीचे डेरिवेटिव ऊपर हो तो इंटीग्रेशन उसकी हो रहती है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन का रोल x प्ले कर रहा है, इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ x। सिमिलरली आपके बाकी पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स में भी आपका यही प्रोसीजर अप्लाई होगा, डिफरेंस बस ये आ रहा है अगर कहीं कोशेंट आ रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, इंटेग्रल वैल्यूएट करना है, लेकिन यहाँ पे दो पॉलीनोमियल्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं बेसिकली आपके पास। अब डिवाइड हो रही हैं, फर्स्ट टर्म के साथ अलग डिवाइड कर दें प्लस सेकंड टर्म के साथ अलग डिवाइड कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आप लोग एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अगर नीचे प्लस के साथ पावर ऊपर जाके माइनस के साथ हो जाएगी, ये भी नीचे प्लस के साथ ही ऊपर जाके माइनस के साथ हो जाएगी। अब जब बेसिस सेम हो और चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ऊपर वाले की पावर 1 है, नीचे वाले की 1/2 है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/2। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से आ जाएगा 1/2 और ये चीज़ है -1/2। उसके बाद जब ये देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, अब इंटेग्रल सॉल्व करना आसान है, आप कॉन्स्टेंट्स को इंटेग्रल के बाहर मूव करवा दें और इंटेग्रल्स को अलग अलग कर लें। करने के बाद देखिए यहाँ पे भी पावर है और x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है तो पावर आ रही है, अब आप लोग इस पर पावर वो लगा सकते हो। आप लोग पावर वो लगाओगे, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड, सिमिलरली पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हुआ तो उसे कैंसिल कर दोगे, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट और बाकी सारे पार्ट्स भी आपके पास सेम है, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है। इसको करने के दो मेथड है, तो पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें या पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे इन्होंने पहले उसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया हुआ, ये मेथड भी ठीक है, दूसरे मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा। अब देखें ये वाई का स्क्वायर रूट है, आप इसको लिख सकते हो वाई की पावर 1/2। अब y की पावर 1/2 लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड टर्म के साथ भी से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म के साथ की अब बेसिस सेम है, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1 प्लस y की पावर 1/2 ओवर y। अब जब दो चीज़ें आपके पास इस फॉर्म में आनी है, थोड़ी सी पावर को सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेंगे पावर 3/2। अब अगर एक टर्म डिवाइड कर रही है किसी भी चीज़ को, तो फर्स्ट टर्म भी उससे डिवाइड हो जाएगी, सेकंड भी डिवाइड हो जाएगी। करने के बाद अब बेसिस सेम है आपके पास, अगर पावर उनकी आ रही हो और बेसिस आपके पास सेम हो, चीज़ें डिवाइड हो रही हो, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करने के बाद एलसीएम लेने से सिंपली आप देखेंगे कि फंक्शन उसके साथ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ में पावर बन जाएगी,
तो इसकी इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगी। इंटीग्रल में पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड दूसरी से डिवाइड, इस तरह दोनों पे पावर रूल लगाने के बाद प्लस का कॉन्स्टेंट सी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी एज इट इज इसी मेथड से हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको करते हुए किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपके पास थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने आपको बताया हुआ एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, उसकी इंटीग्रल भी e की पावर x होता है, लेकिन अगर उसकी पावर चेंज आ रही हो, x के अलावा कुछ आ रही हो, तो उसके पावर का डेरिवेटिव लेते हो आप साथ में और उसको सॉल्व करते हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखें दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऐड होके डिवाइड हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म भी डिवाइड कर दें, सेकंड भी डिवाइड कर दें, ई पार एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये ई की पार टू एक्स, इसे ई पार एक्स इंटू ई पार एक्स लिख सकते हैं। एक पावर कैंसिल होके पीछे जस्ट ई की पार एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे वन बचेगा, इंटीग्रल अलग अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, वन की इंटीग्रेशन एक्स, प्लस का कॉन्स्टेंट सी। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स से जो क्वेश्चंस करवाए इसको ट्राई करना है, देखना है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन